तो गैस अभी आप जो स्क्रीन पर ट्रेंडिंग शायरी वाले वीडियो देख पा रहे हैं, इस वीडियो को एडिट करना तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बता दिया है, बट आज की वीडियो में मैं आप सबकी प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप इस वीडियो को एडिट करने के लिए जाते हो वहाँ पर आपको एक अपेक्ट को ऐड करना होता है, जब जाकर आपका वीडियो क्रिएट हो पाता है। शायरी में अपेक्ट को ऐड करने के लिए वहाँ पर आपको एक फाइल को डाउनलोड करना होता है जिसका नाम है अपेक्ट फाइल। काफ़ी सारे लोग अपेक्ट फाइल को डाउनलोड तो कर लेते हैं बट डाउनलोड कर अलाइट मोशन में ऐड नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, आप फाइल को डाउनलोड कैसे करें, अपेक्ट फाइल को एंड डाउनलोड कर अलाइट मोशन में कैसे ऐड करें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ सब कुछ, बस आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपेक्ट फाइल कहाँ पर मिलेगा, तो सिंपल सा तरीके आप अभी जो वीडियो देख पा रहे हैं ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपेक्ट फाइल का लिंक मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल से उस अपेक्ट फाइल के लिंक पर टैप करना है। तो जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको एक इस तरह का लिंक मिलेगा तो डाउनलोड फाइल वाला, तो सिंपल से आपको लिंक पे टैप करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे टैप करते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, अब आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है। तो फाइल को डाउनलोड करने का सिंपल सा तरीका है, आपके सामने कुछ इस तरह का फाइल आएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर की साइड में डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हैं उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर जूम कर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड वाला, उस पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हैं आपको एक बार फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल से डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। डाउनलोड होने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर ओपन भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर ओपन कर आपको शेयर वाले आइकन पर टैप कर अलाइट मोशन में इसको ऐड कर देना है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ से आपसे गलती से बैक हो चुका है, अब आप इसको ऐड कैसे करें, जैसे कि ये क्लियर हो चुका है, अब आपको ये फाइल कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आपको सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। तो यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हैं आपको ऊपर की साइड में सर्च वाले आइकन पर टैप करना है। जैसे आप इस सर्च वाले आइकन पर टैप करते हो, अब आपको यहाँ पर सर्च में जो लिखना है ना वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर रेड कलर में लिखा दिखाई दे रहा है खलनायक, तो सेम तरीके से आपको सर्च करना है, आपको फर्स्ट वाला अपेक्ट मिल जाएगा, तो जो आपने डाउनलोड किया होगा उस पर टैप कर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इस तरीके से नहीं आ पा रहा है तो आपको सिंपल सी टिक मार्क लगाना है, एंड नीचे की साइड में आपको सेंड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। फाइल के ऊपर की साइड में टिक मार्क लगाना है, सेंड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो थोड़ा रुकिए गाइस, सॉरी गलती से बैक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टिक मार्क लगाना है, नीचे सेंड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे आप सेंड वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं यहाँ पर आपके सामने अलाइट मोशन एप्लीकेशन शो कर रहा है। अगर आपने अलाइट मोशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पर शो नहीं करेगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो सिंपल से आपको अलाइट मोशन पर टैप करना है। जैसे आप टैप करते हैं वाला फाइल है ना अलाइट मोशन में ऐड हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लियर कर देना है। इसको क्लियर करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सिंपल से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब ये जो अपेक्ट वाला फाइल है ना ये ऐड हो चुका है अपनी अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। जैसे ही आप अलाइट मोशन को ओपन करते हैं आपको नीचे की साइड में प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, एंड आप सबसे ऊपर की साइड में फर्स्ट नंबर पर देख पा रहे हैं वाला फाइल आ चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको शायरी को क्रिएट करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आ चुका हूँ अब, एंड यहाँ पर मैं आपको एक शायरी को एडिट कर बताने वाला हूँ। वैसे तो एडिट कर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रूफ और वीडियो बनाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब जैसे कि आपको किसी शायरी में अपेक्ट को ऐड करना है, तो आपने जो फाइल को ऐड किया है ना डाउनलोड कर उस पर टैप करना है, एंड यहाँ पर आपको लेयर पे टैप करना है। लेयर पे टैप करने के बाद में जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहाँ पर टैप करना है, ऊपर की साइड में कॉपी लेयर कर लेना है। इसको कॉपी लेयर करने के बाद में आपको हर बार सेम तरीके से करना है, बैक आना है। अब आप जो भी शायरी को क्रिएट कर रहे हैं उस पर जाना है, उस पर जाने के बाद में आपको शायरी वाले लेयर पर टैप करना है। अपेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट लेयर कर देना है। तो इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको सेम तरीके से हर बार आप शायरी को क्रिएट करो ना, आपको उस फाइल पर जाना है, कॉपी लेयर करना है जैसे मैंने बताया इस वीडियो में। अब आपको शायरी को एडिट किस तरीके से करना है, प्रॉपर वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपका जो प्रॉब्लम था मैंने सॉल्व कर दिया, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार।